देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शादर भू माफियाओं के खिलाफ आखिरकार चंदननगर थाने पर मामला दर्ज हो ही गया। इन आरोपियों पर तहसीलदार ने मामला दर्ज कराया है। आरोपियों को खेती के लिए जमीन आवंटित की गई थी। मामला इंदौर के नवाद पंथ का है, जहां शासन द्वारा नवाद पंथ में गजराज परमार और उनके परिवार जनों को खेती करने के लिए जमीन आवंटित की गई, लेकिन जमीन का खेती के लिए उपयोग न करते हुए माफियाओं द्वारा इस पर कॉलोनी काटी गई, जिसकी शिकायत मिलते ही शासन द्वारा चंदननगर थाने पर इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि जो जमीन खेती के लिए दी गई थी, वहां पर 30 परिवार रहने भी आ चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने भूमाफिया जगदीश परमार, गजराज परमार व निर्भय परमार पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। राजस्व विभाग की तरफ से एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया 420, 406, 120 बी का, जिसमें कुछ तीन भाई हैं जिन्होंने शासकीय भूमि को प्लाट काट कर विक्रय किया है। लगभग कितने प्लाट बेचे? अभी ये थोड़ा जांच में है, वैसे 20 के आसपास से। ये तीन भाई हैं, एक गजराज परमार, जगदीश परमार और निर्भय परमार। अभी FIR हुई है और जांच, इसमें इनके द्वारा प्लाट विक्रय करना पाया गया है, तो इनकी तलाश की जा रही है अभी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।